हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन पे लेक्चर वाइज लिंक मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ देते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में, कैसे डिलीट करते हैं डिक्शनरीज के एलिमेंट। अगर हमको एलिमेंट्स को डिलीट करना हो तो हम दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं। पहला है बाय डेल कमांड और दूसरा है बाय पॉप मेथड। आप दोनों तरीके से एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं डिक्शनरीज के। तो सबसे पहले जान लेते हैं, अगर डेल कमांड से हमको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हमको एक सिंटेक्स लिखना होता है अगर डिलीट करना हो डेल कमांड से एलिमेंट्स को। ठीक, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डेल, ये एक फंक्शन होता है पाइथन में। ठीक है, डेल आपको याद रखना पड़ेगा, डेल। ठीक है, DEL। फिर उसके बाद डिक्शनरी नेम लिखेंगे एक स्पेस देने के बाद, ब्रैकेट वगैरह कोई नहीं रहेगा। ठीक है, और लार्ज ब्रैकेट के अंदर की, जो की डिलीट करना हो उस की का नाम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, तब वो डेल कमांड एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सबसे पहले डी नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि यहाँ डिक्शनरी का नाम है। ठीक है, और उसके बाद एक डिक्शनरी है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उसमें नेम और क्लास नाम के दो की हैं, और राम और 12 ये जो वैल्यूज हैं इसके। ठीक है, मान लीजिए वो क्लास जो की है ना उसको डिलीट करना हो, तो हम उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, डेल फिर डी जो कि डिक्शनरी का नाम है, फिर लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो की रहेगा हमको, जो की डिलीट करना हो। ठीक है, उसका नाम। ठीक है, तो जैसे हमको क्लास यहाँ डिलीट करना हो तो क्लास लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर हम डी को चेक करते हैं तो ये देखिए नेम राम, मतलब कि वो की डिलीट हो गया। ठीक है, अब जान लेते हैं पॉप मेथड से अगर हमको डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे। तो उसके लिए भी हमको एक सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। सिंटेक्स कैसा है, डिक्शनरी नेम डॉट पॉप और जो की डिलीट करना हो वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। ठीक, और ये इसके बारे में कुछ जान लीजिए आप, द पॉप मेथड विल नॉट ओनली डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर मेंशन की बट ऑल्सो रिटर्न द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि अगर आप पॉप मेथड यूज करते हैं तो ना जो की डिलीट करेगा जो उसका वैल्यू रहेगा ना वो आपको शो करेगा, जबकि डेल मेथड में ना ऐसा कोई नहीं था कि हम कोई की डिलीट करें तो उसका वैल्यू हमको शो करें, पर लेकिन पॉप मेथड में ना आपको शो करेगा। हाँ, इसमें एक और खासियत है कि अगर की कोई एग्जिस्ट नहीं करता है और आप चाहते हैं अगर एग्जिस्ट ना करे तो एरर भी प्रोड्यूस ना करे, तो आप वहाँ पे मैसेज भी लिख के दे सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, पॉप मेथड ऑल्सो अलाउ यू टू स्पेसिफाई वॉट टू डिस्प्ले वेन द गिवन की डज नॉट एग्जिस्ट देन द डिफॉल्ट एरर मैसेज। आप मैसेज भी लिख के दे सकते हैं अगर एरर, मतलब कि वो की उस डिक्शनरी में है ही नहीं। ठीक है, तो अब आप यूज़र को दे सकते हैं ये। ठीक है, तो एग्जांपल जान लेते हैं। सी नाम का एक वेरिएबल है जो कि डिक्शनरी नेम है। ठीक है, उसमें नेम रोल नंबर और क्लास ये तीन की हैं, राम 21 और 11 वो वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए हमको क्लास को डिलीट करना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, सी डॉट जो कि सी यहाँ पर डिक्शनरी नेम है और पॉप लगाएंगे जो कि मेथड है। ठीक, और जो क्लास है वो यहाँ पे की है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 11 जो है वो उसका वैल्यू है शो किया है, कि जो क्लास में जो वैल्यू है वो उसका शो किया है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर फिर सी को चेक करेंगे तो यहाँ पे नेम और रोल नंबर सिर्फ ये दो की यहाँ पे रहेंगे, यानी तो बोल सकते हैं एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक, अगर मान लीजिए आप मैसेज नहीं लिखते हैं, ठीक है, पॉप मेथड में, तो वो सिंपली डेल ऑपरेटर की तरह, मतलब डेल कमांड की तरह ही सिंपली यहाँ पे भी वो एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,